ਸੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਆਨੇ ਕੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾ ਫਰਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁਝੇ ਤੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ अच्छा 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 रो मत रो चुप चुप बताओ बताओ क्या बात होगी तीजी मैं बाबा के पास गई थी बाबा ने मेरा इलाज किया बाबा ने बताया मेरी किडनी भी फेल मेरी आंतें भी फेल और मेरा गुर्दे भी फेल है ये बात बताओ तुमने चेकअप करा कहीं नहीं है? बाबा ने कहा चेकअप कराने की जरूरत नहीं है ये दवाई दी है कहा और अगर मुझसे दो दिन में शादी नहीं की तो तुम मर जाओगी अच्छा और खर्च कितना बताया बाबा बोले 50,000 रुपए खर्चा होगा या मुझसे शादी कर ले मैं उठा लूंगा खर्चा फिर तुमने क्या कहा कहती क्या मैं तो कह आई कर लूंगी क्या अब तुम ही बताओ मेरी अम्मी तो अल्लाह को प्यारी हो गई और अगर ये बात मैं अब्बू को बताऊंगी तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे मैं अनाथ हो जाऊंगी इसलिए मैं हाँ कर आई यानी के तू उस बाबा से शादी करेगी इलाज के चक्कर में तो और क्या करूं? उससे शादी करने की जरूरत नहीं है हमसे करो शादी मगर इलाज हम करेंगे इलाज में पैसा खर्च जितना भी होगा मेरे साथ चलो नर्सिंग होम में तुम्हारा चेकअप कराता हूँ सच्ची शेख जी बिल्कुल सच है शेख जी तो मैं उस बाबा से शादी क्यों करूं? चलो मैं तुम्हारा चेकअप कराता हूँ चलो अरे बेटा सलमान क्या बात है बेटा अरे क्या बताऊं बेटा कल मैंने उसे धमका दिया था और वो कल से ही घर नहीं आया अरे तुझे कहीं मिले दिखाई दे तो बेटा उसे घर ले आना ठीक है खाला मुझे कहीं मिला तो मैं भी लेके आऊंगा उसको ठीक है अबू अबू कहाँ चले गए अबू यहीं हूँ बेटा एक बात बता बेटा बाबा की बात सही है या डॉक्टर की रिपोर्ट सही है अबू अगर डॉक्टर की बात सच निकली तो अगर डॉक्टर की रिपोर्ट सही हुई तो उस बाबा की शादी तो मैं अच्छे ढंग से कराऊंगा तू मुझे यूं बता रिपोर्ट कब मिलेगी आज ही मिलेगी अबू और वो जो पैसे खर्च हो रहे नर्सिंग होम में वो कौन लगा रहा बेटा अबू वो किनापुर का शेख चिली है कह रहा था पैसे मैं लगाऊंगा तुम्हें कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा ठीक है बेटा तू दवाई करा तू बिल्कुल ठीक हो जा रोजान तुझे पता कल हम चेकअप के लिए दे गए ना ठीक रहे अब रिपोर्ट बना दी होगी डॉक्टर ने हमारे क्षेत्र का गोपाल नर्सिंग होम सबसे बढ़िया नर्सिंग होम है रिपोर्ट तैयार कर ली होगी डॉक्टर ने बड़ा डॉक्टर है आजा 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 डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार नमस्ते आइए डॉक्टर साहब वो रिपोर्ट आ गई हमारी आ गई जी आ गई लीवर भी ठीक है गुर्दे भी ठीक है गैस की थोड़ी परेशानी है दूर हो जाएगी मैं दवाई लिख देता हूँ डॉक्टर साहब ये दवाई दी थी बाबा ने दो बाबा ने दी दवाई बाबा ने दी दवाई अच्छा बस ये तो भैंसों की दवाई है भैंसों की भैंस की भैंसे की भैंस की मैं दवाई लिख देता हूँ आप स्टोर से ले लेना घबराने की कोई जरूरत नहीं है ये दवाई ले लेना ठीक हो जाएगी कितने पैसे होंगे तुम्हारे 500 रुपए होंगे 500 रुपए ये लो 500 रुपए चलो जाना अगर तुम रिपोर्ट ले जानी चाहो तो ले जा सकते हो हम क्या करेंगे इसका जब सब कुछ ठीक है तो तुम ये लो इसे तो नमस्ते डॉक्टर साहब और जाना है देखा बाबा ने कैसा भगाया तुझे कुछ भी नहीं है तेरे तो ठीक है तो आ जल्दी आ जा आ जा आ जा देखा रोजाना बाबा ने क्या बताया तुझे हाँ शेख जी वो बाबा तो पता नहीं क्या क्या कह रहा था और मुझे भैंस की दवाई दे दी है? मैं अब्बू को फोन लगा के कहती हूँ फोन मिला के बात कर अब किसका फोन आ गया
हेलो हेलो अब्बू, मैं ठीक हूँ। वो बाबा तो बिल्कुल बदतमीज है, उसने तो मेरा पागल बना दिया। ठीक है बेटा, उसे घर बुला के उसका इलाज करता हूँ। अब्बू, सारा का सेक चिल्ली ना उठाया इलाज का। ठीक है बेटा, मैं उससे ही शादी कर दूंगा तेरी। अब्बू, जैसा तुम ठीक समझो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं उसे बुला लूंगा घर पे इलाज के बहाने। ठीक है। निकाल दो गुरुजी, परेशान हो गए। चेले जी गुरुजी, मैं तेरे लिए एक बढ़िया सा सूट सिलवाऊंगा। आज तक तो कुछ दिलाया नहीं। अबे एक बार सुन, शादी हो जाने एक बार फिर देख मेरी मेहरबानी। ठीक है गुरुजी, ठीक है। ओए चेले हो रहा गया। हेलो हेलो, कौन? हाँ मैं बोल रहा हूँ, रुक्साना का अब्बू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैं यूँ कह रहा था, रुक्साना की शादी का दिन पक्का करना था, वो कब करें? जब आप चाहो। ठीक है, तो पहले मेरा इलाज करो, जब करवाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पता बताओ। ठीक है, भाभी गांव आके किसी से भी रुक्साना का घर पूछ लेना। ठीक है बेटा, आ जा, मैं करवाऊंगा तेरी रुक्साना से शादी। ये सही काम बना जी। चले ऐसा करो, आज तुम जहां से फोन आया नी, वहां जाके ये दवाई दियाओ। जाओ जाओ। है गुरुजी आज मुझसे प्यार से बोल रहे और तुम करके बोल रहे हैं? क्या सोच रहे हो बच्चा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है मगर एक बात सुनो, शादी की पक्की बात करके जवाना है। ठीक है गुरुजी, आ जाओ। मैं जा रही हूं। यार बेटा ठीक है, ये तो मजा आ गया। हाथी वाले बाबा की जय। हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो। यही है रुक्साना जी, रुक्साना जी। शेख जी, तो जी आ जाओ। तुम्हें पता शेख जी, अब्बू ने ना बाबा को बुला रखा इलाज के बहाने से। ठीक है, मम्मी देख दे। अब्बू तो पूरा इंतजाम करे बैठे हैं। ठीक है चलो चलो। अब्बू देखो कौन आया है। कौन है बेटी? वो ही अब्बू, वो ही, वो ही शेख जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटा तुमने तो मेरी बेटी की वो मदद की है जो कि अपना भी नहीं कर सकता। अजी अजी, ये तो मेरा लक्ष्य था। क्या? मेरा फर्ज था, इंसानियत का नाते फर्ज था मेरा तो। अच्छा अच्छा, फर्ज था। अरे बेटा आप कुछ खाने के लिए ले आए इसके लिए। हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो। बताओ कौन बीमार है? बीमार है मेरे अब्बू, और तुम तो बाबा नहीं हो, तुम तो अम्मा हो। वो मेरे गुरुजी है, मैं उनकी चेली हूँ। हाथी वाले बाबा की जय हो। ओहो तुम उसकी चेली हो। हाँ जी, ये लो दवाई, बाबा जी ने भेजी है, खाओगे ठीक हो जाओगे, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त? इस लड़की की शादी गुरुजी से 2 दिन में करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। वो कैसे बाबा? किडनी फेल, गुर्दे फेल, आते फेल। अगर इस लड़की की 2 दिन में शादी करो तो दवाई ले लो, नहीं तो मैं चली। दवाई? मुझे तो वो बाबा चाहिए। रुक्साना पकड़िए इस बाबा की चेली को। ठीक है अब्बू। मार घुसन डिस्के। इधर आ इधर आ। नहीं तू बड़ी नाम बन गई, मत रिक ना। ये ले ये ले, अम्मा बनेगी, बाबा अम्मा बन के हमारा पागल बनाओगे। ये ले ये ले, रुक्साना को पागल बनाओगे। ये ले और ले अब्बू, और मारो और मारो। छोड़ दो, मैं छोड़ दो। इधर क्यों मार रहे हो मासूम को बेचारी को? ये ले, अम्मा बनेगी, छोड़ दो। अम्मा बाबा का इलाज कर रही है। मुझे माफ कर दो, मैं तो बाबा की सेवक हूं। सेवक है तू बाबा की? अभी बाबा की सेवा करते हैं क्यों शेख जी? तू चल, तू चल, मैं आ रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब हमारे हमारे, चलो हमारे, चलो चलो सब चलो चलो अब्बू।
आओ आओ। अरे शेख चिल्ली बेटा, क्या बात हो गई? और ये कौन है? ये अम्मी रुकजाना का अब्बू है, तुझे सारी बता दूंगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। चल 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 घर। बाबा कहीं गए होंगे, गए होंगे। ठीक है तुम यही खड़े हो, मैं इससे पीछे बात करता हूँ। चेले तू मुझे माफ कर दे, मैं तो रुखसाना को पाने के लिए ये सब कुछ करता था, तू कुछ मत बोलियो, तू मुझे बचा ले, मैं तुझे बचा लूंगा। शेख जी मैं तो तुम्हें पहले से जानती थी। क्या जानती थी? कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 चल, कुछ मत बोलियो चाहे कुछ भी हो जाए। बनाता हूँ तरकीब, तुझे बचाता हूँ, मैं बचूंगा। देखो वो बाबा तो इलाका छोड़कर भाग गया और ये पर्चा दे गया, इसमें लिख रहा है कि मेरी चेली को माफ कर देना और रुखसाना की शादी शेख चिल्ली से कर दे। ठीक है मैं तैयार हूँ। ठीक है हम भी तैयार हैं। देखा अम्मी, ये वही है, वो पहचान, वो ये इसके अब्बू है। जान गई बेटा जान गई, अब मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मी, रुखसाना बेटा। हाँ रुखसाना आओ, शेख जी। फेर भी। फेर भी। फेर भी।